दोस्तों नमस्ते, मिसा देवी बिन ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों चलिए खेत के चलते हैं और कुछ दिखाते हैं नया नया क्या क्या काम हो रहा है। चलिए दोस्तों वहाँ पे आलू इतने बड़े बड़े जमा था दिखाए थे ना, उसकी हो रही है सिंचाई। आइए दिखाते हैं, आइए देखिए दोस्तों हमने कल दिखाया था हमारा आलू कितना छोटा था, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इसके बाद इसके ऊपर मिट्टी चढ़ेगी जब पकेगा। दोस्तों पूरा दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत अच्छे से आलू यही साल तैयार हो गया है, तो वही ज़्यादा। दोस्तों पानी का बहाव तेज था इसलिए कूलर हमारा बिगड़ गया है, यहाँ देखिए सिमट गया है पूरी तरह से, ज़्यादा पानी हो गया तेज था, कूला छोड़ था। और देखिए मटर आलू हमारा कितना अच्छा जमा है, इसमें भी मटर बोए हैं दोस्तों, ये अर्किलवा मटर है, बहुत अच्छा बड़े बड़े छीमी से फरता है। और दिख रहा है, ये दिखाते दोस्तों हम आते आते थोड़ा देर हो गया इसलिए तेज़ी से खेत भरा गया हमारा, पास में ही था मशीन। और देखिए पानी कितना तेज चल रहा है इसलिए कूला नरम होता है, मिट्टी खर है दोस्तों, गला जा रहा है। आज तो सबसे अच्छी आलू आकर मिली है। लेकिन दही अपन अच्छी निकली है, ना ही निकली। तो दोस्तों पहले से ही नाली बनाई गई होती है और इस नाली से जा रहा है इस तरफ का भी कूला, इस तरफ का रह गया है भरने के लिए, उधर भरा जा रहा है हमारा प्याज। आइए पास दिखाते हैं, देखिए दोस्तों पानी के बहाव से हमारा प्याज भी उखड़ रहा है नीचे, यहाँ पास देखो तब सब कुछ दिखेगा। देखिए दोस्तों माटी हटाने में ऊपर आ गया है इसलिए मिट्टी अब गल जाएगी, जब माटी चढ़ने लगा फिर इसे ढक दिया जाएगा। इस तरह से ढक देते हैं, ये माटी है दोस्तों, आलू अच्छा जमा है, इस साल पे आलू सबसे अच्छा है। ये बहुत जा रहा है पानी मस्त, उधर पालक भी हो रहा है उस तरफ, चलो उस तरफ दिखाते हैं। आओ बचाइए, बुलबुल 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 देखिए किस तरह से बुल्ला कर रहा है, कितना धपाट वो लग रहा है देखिए। उधर पालकी तैयार हो ना, तुम पालका पालकी दीजिए तो अब उधर हो गया हमारा प्याज मूली पालक, इधर देखिए मूली पालक सब हो गया है, गिरा जा रहा है मिट्टी खर हो गया इसलिए, और मुरई तो हम इधर पालक हो रहा है, उसी में से जो प्याज के बेहन में पानी है ज़्यादा दोस्तों वही उतार किसी में भर देंगे हम लोग। इसके होने के बाद अब यही दो कूला रह गया पाती, यानी आलू देखो हो जा रहा है और इसमें आएगा पानी। इसके बाद अभी पूरा दिखाते हैं हम लोग, इधर भर देंगे Thank you.
क्या होती मेरे को ऐसे हटा करके दूसरी जगह हम लगा दे रहे हैं, इसे यहाँ से निकालेंगे और दूसरी जगह निकालेंगे लगवा रहे हैं। देखिए अच्छे से जगह हुआ है, लगाएंगे यहाँ भी जम रहा है आलू और जगह करके लगा दे रहे हैं, यहाँ भी जम रहा है। अब पानी पाएगा ठीक हो जाएगा दोस्तों, हाँ किनारे पे नहीं सही था, अब आलू ये सब जम रहा है। देखिए दोस्तों हमारा आलू सब हो गया है, थोड़ा सा दो तीन यही रह गया, दस मैंने 15 किलो, हाँ 10-15 किलो रह गया है भरने के लिए। तो बिजली चली गई दोस्तों, देखते हैं कब आती है। आप लोग को दिखाया हमने अपना खेत सब कुछ, आगे खेत दिखाते हैं उसमें आलू कैसा जमा, वो भी भरा जाएगा। अब रात हो जाएगी भरने में, शाम हो गया है इस समय, आइए दिखाते हैं। तो वहाँ दिखाया आप लोगों को हमारा आलू भरा गया है, थोड़ा सा रह गया, लाइट चली गई दोस्तों। अभी इस खेत आ गए, देखिए ये भी आलू मस्त जमा है। अभी कल और परसों दिखाई थे कितना अच्छा नहीं दिख रहा था, देखिए पूरा, और पाइप यहाँ भी फैला दिया गया है। देखिए इसी तरह से आलू बहुत अच्छे से जमा है दोस्तों, अब भरेंगे उसके बाद ज़्यादा फरी आएगा, जब भर देंगे खेत हरे हरे हो जाएंगे। पूरा हरा हरा खेत लग रहा है, देखिए ना, देखिए पूरी तरह से लग रहा है। उधर देखिए वहाँ पे पाइप हम लोग फैला दिए हैं, अब वहीं से सब खेत भरा जाएगा, पूरा खेत हमारा वहीं से भरा जाएगा। आइए दिखाते हैं पूरा आलू दिखाते हुए। तो दोस्तों अगले सीजन से, अगले मैंने 2022-23 में जो लगा था, फिर 23 ही चल रहा है, अगले साल 22 में लगा था, 23 में तैयार हुआ था। तो उस साल उस सीजन में आलू अच्छा नहीं था दोस्तों, हमारा अच्छा नहीं जमा था इस सीजन में, देखिए। और देखिए कितना अच्छा जमा है हमारा आलू इस सीजन, बहुत अच्छा है। आगे देखिए, आइए देखिए आलू कितना सुंदर जमा है, अगले साल नहीं जमा था दोस्तों हमारा आलू, इस साल बहुत अच्छा है, इस सीजन बहुत अच्छा है। और आइए दिखाते हैं धनिया मेथी जो हमने बोया, वो भी अच्छा जमा है। तो आलू हमने देखा है, आप देखो पाइप वहाँ तक आया है दोस्तों हमारा, अब वहाँ सीधे पाइप। इस खेत में हमने इतना सा छोटा सा था दोस्तों, जिसमें बोए हैं पालक और मेथी भी अच्छी जमा है, पूरा चीज़ हम मिलाकर इसमें छेद देते, मूली उली सब जमा है, एक करके सरसों भी डाल दिए थे साग खाने के लिए, जो कहवा साग बोलते हैं दोस्तों उसके लिए। इधर हमारा सबसे देखिए होती अच्छा जमीन, तो पालक भी अच्छा, जब भरा जाएगा दोस्तों तब हरियर होगा, तब अच्छा लगेगा देखने में। अभी ढेरी ढेला इसीलिए कम समझ में आ रहा है। आइए इधर पानी है, घाटते देखिए दोस्तों, यहाँ छाप आके देखो पेड़ के नीचे नीलगाहों ने ही लड़ते हैं, उसके बाद खेत में कूदते हैं, खराब करते हैं। आइए लग रहा है, बहुत घना घना लग रहा है, इधर पेड़ बहुत ज़्यादा है, इधर बेल वोल हर सबसे इधर नेबुआ हुआ लगा हुआ है दोस्तों, नेबुआ पेड़ है, और सरसों इधर खाने लायक हो गया है। और देखिए कैसे दो ऊख ऐसे करके वहाँ जमा लगा दिए हैं, अच्छे से है देखिए वहाँ बना हुआ। देखिए दोस्तों अभी आकार का ऊख बना हुआ है, और गाँव ने पत्तियाँ तो चल गई हैं, अच्छा लग रहा है। आकार की ऊख दोस्तों हमने आपको दिखाया वहाँ से घूमते घूमते पूरा खेत। अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगे, शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, बाय दोस्तों।